हेलो किसान साथियों, स्वागत है आपका जितपुर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साहू। और किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। जो रबी में सरसों की खेती होती किसान साथियों, उसमें आप कैसे 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक सरसों का हाईएस्ट प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं कुछ चुनिंदा हाइब्रिड वेराइटियाँ, जिनका कि प्रोडक्शन बहुत ही शानदार है। इसमें कलर, दाने में चमक, दाने का साइज एक सा, पौधे की हाइट, उसकी मेच्योरिटी कितने दिन में होती है, और साथ ही साथ जानें किसान साथियों कि ये किस किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त वेराइटी है। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सरसों की बेस्ट टॉप 5 हाइब्रिड वेराइटीज़ के बारे में। तो हमारी जो पहली वेराइटी किसान साथियों, ये है क्रिस्टल का प्रो एग्रो मस्टर्ड 5210। जी हाँ किसान साथियों, प्रो एग्रो मस्टर्ड 5210। इस पौधे की कुछ खासियत किसान साथियों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके जो प्लांट या पौधे की हाइट होती है वो 190 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये जो किसान साथियों वेराइटी है वो रेजिस्टेंट है वाइट रस्ट और दूसरे सकिंग कीड़ों के प्रति। जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं और जो सफ़ेद रस्ट होती है, भूरी रस्ट, उसके प्रति किसान साथियों ये सहनशील है। और इसकी जो परिपक्वता अवधि है किसान साथियों, मेच्योरिटी पीरियड है, वो 130 से 135 दिन का है। इसका उत्पादन एवरेज 13 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। ये आपके जमीन, मौसम और मेंटेनेंस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है किसान साथियों। और ये जो वेराइटी है जिन क्षेत्रों के लिए अनुकूल है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, ये कुछ क्षेत्र है किसान साथियों हैं जहाँ ये वेराइटी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और यहाँ के लिए इनका मौसम अनुकूल है। और किसान साथियों, इसमें जो दाना होता है शाइनी ब्लैक कलर का या ब्लैक ब्राउन कलर का, और सेम साइज का दाना आता है। ये वेराइटी किसान साथियों प्रो एग्रो मस्टर्ड 5210 की कुछ विशेषताएं थी। अब चलते हैं हमारी अगली वेराइटी की तरफ, पाइनियर 45S46। जी हाँ किसान साथियों, इसको हम 46 नंबर सरसों के नाम से भी जानते हैं। ये पाइनियर कंपनी की आती है और इसकी खास बात सबसे किसान साथियों ये है, क्योंकि किसान की पसंद बनी हुई है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर ऑयल परसेंट दूसरी वेराइटियों की तुलना में हाईएस्ट होता है किसान साथियों। इसके अंदर 41 से 45 प्रतिशत तक ऑयल परसेंटेज पाया जाता है। बाकी वेराइटियों में 35 से 40, 41, 42 तक पाया जाता है, मगर इस वेराइटी के अंदर 41 से 45 प्रतिशत तक ऑयल परसेंटेज पाया जाता है किसान साथियों। इसका जो दाना होता है शाइनी ब्लैक कलर का या शाइनी ब्राउन कलर का आता है, जिसको हम ब्लैक ब्राउन बोल सकते हैं, और सेम साइज का दाना आता है। इसके जो पौधे की हाइट होती है किसान साथियों, ये 200 से 220 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी मैच्योरिटी 125 से 140 दिन में होती है। और इसका जो प्रोडक्शन है किसान साथियों, एवरेज 11 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास निकलता है। आप इसमें अच्छा भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ का मौसम अनुकूल होना चाहिए, उसमें मेंटेनेंस हाई होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी किसान साथियों। और ये जो वेराइटी मैं आपको बता देता हूँ किन क्षेत्रों के लिए अनुकूल है, तो इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, ये कुछ क्षेत्र है किसान साथियों जहाँ ये वेराइटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। चलिए किसान साथियों, बढ़ते अगली वेराइटी। हमारी तीसरी वेराइटी है एडवांटा, जो कि UPL का ग्रुप है, उसकी ADV 414। जी हाँ किसान साथियों, ये जो वेराइटी है एडवांटा सीड्स की तरफ से आती है और इसका जो दाना होता है मोटा और शाइनी ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। और इसके जो पौधे की हाइट होती है 200 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो मेच्योरिटी होती है 125 से 135 दिन में किसान साथियों ये वेराइटी पककर तैयार हो जाती है। और इसका जो एवरेज प्रोडक्शन है 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रोडक्शन किसान साथियों। और इस फसल को उगाने के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड एरिया है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात किसान साथियों। यहाँ ये वेराइटी के बहुत अच्छे प्रोडक्शन निकलेगा, क्योंकि यहाँ का मौसम वातावरण इसके लिए अनुकूल है। और इसमें फिर मैनेजमेंट और ज़मीन के हिसाब से किसान साथियों प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली वेराइटी की तरफ, जो है राशि की 1604। जी हाँ किसान साथियों, राशि सीड्स की 1604। ये वेराइटी किसान साथियों, इसका जो दाना होता है शाइनी ब्लैक ब्राउन कलर का आता है। पौधे की जो हाइट होती है 190 से 210 सेंटीमीटर के आसपास होती है। पौधे की मैच्योरिटी जो तैयार हो जाता है सरसों हमारे 120 से 135 दिन में तैयार हो जाता है। और इसकी जो इल्ड होती है, उत्पादन जिसको हम बोलते हैं, वो होता है 10 से 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़।
प्रोडक्शन किसान साथियों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मौसम जमीन और मेंटेनेंस के ऊपर निर्भर करता है, और इसका जो रिकमेंडेड क्षेत्र है किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ किसान साथियों ये वेराइटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और वहाँ का मौसम इसके अनुकूल है। अब चलते किसान साथियों हमारी अगली वेराइटी की तरफ, और हमारी अगली वेराइटी किसान साथियों कावेरी सीड्स से है, कावेरी KBH 5507। जी हाँ किसान साथियों, कावेरी KBH 5507 ये वेराइटी किसान साथियों बहुत ही बढ़िया है, और इसका जो दाना होता है साइनी ब्राउन कलर का आता है, पौधे की हाइट 205 सेंटीमीटर के आसपास होती है, पौधे की मैच्योरिटी पीरियड सरसों का 120 से 125 दिन का है, इसका उत्पादन 11 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ का आता है किसान साथियों ये, और उत्पादन जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ, मौसम जमीन और मेंटेनेंस के ऊपर निर्भर करता है। और किसान साथियों यह कुछ क्षेत्र जहाँ के लिए यह उपयुक्त वेराइटी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़, ये कुछ क्षेत्र थे किसान साथियों जहाँ इस मौसम इसके बहुत ज़्यादा अनुकूल है और यहाँ इसका अच्छा प्रोडक्शन निकलता है। तो ये थी किसान साथियों सरसों की कुछ बेस्ट हाइब्रिड वेराइटीज़, जिनको लगाकर आप अच्छा मैनेजमेंट करके अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा किसान साथियों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक से और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।